नीलम्स किचन में स्वागत है आपका। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड कुल्फी। जी हाँ, ये एक बहुत ही आसान कुल्फी है और इसके इंग्रेडिएंट्स आसानी से घर में ही मिल जाते हैं। इस कुल्फी को बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये देखने में और खाने में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ है। और इस कुल्फी को बनाने के लिए किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से एक प्लेट में जमा सकते हैं या फिर किसी भी बर्तन में। आप चाहें तो इसे कुल्फी के मोल्ड में भी जमा सकते हैं। तो चलिए इसकी आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 8 ब्रेड स्लाइसेस ली। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड यूज की है और हम इसके साइड्स को कट कर देंगे। चारों तरफ से इसकी साइड्स को कट करना है। हमें सिर्फ वाइट पोर्शन चाहिए अपने कुल्फी को बनाने के लिए। और अभी मैंने 4 ब्रेड के साइड्स को कट किया है। इसी तरह हम 4 और ब्रेड के साइड्स को भी कट कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी 8 ब्रेड रेडी हैं। तो चलिए अब इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। मैंने चाकू की मदद से किया है, आप चाहें तो हाथ से भी इसे काट सकते हैं। हमारे पीसेस रेडी हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक ग्राइंडर लिया और उसमें सारे ब्रेड के पीसेस को डाल दिया। अब हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, सॉफ्ट ब्रेड क्रम्स। सारे ब्रेड पीसेस को अच्छे से इसमें डालने के बाद हम इसे बंद कर लेते हैं और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद ये देखिए, तैयार है हमारे सॉफ्ट ब्रेड क्रम्स। इसे ग्राइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये एकदम रेडी है। अब इसको साइड में रख लीजिए। अब हमने एक पैन लिया, उसमें हमने डाला 1 लीटर फुल क्रीम दूध। अभी हमने गैस ऑन नहीं की है। 1 लीटर दूध डालने के बाद अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और अब हम मीडियम आंच पर दूध को इसी तरह से चलाते रहेंगे। हमें इसे थोड़ी देर बॉईल करना है। थोड़ी देर बाद दूध साइड्स में लगना शुरू हो जाएगा। हमें इसे साथ में चलाते रहना है। मीडियम आंच पर ही रखेंगे आप इसे। और अगर ये साइड्स में लग रहा है तो आप उसको स्क्रैच कर सकते हैं। और 5 मिनट इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर दूध को चलाने के बाद दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। दूध को ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर। अब 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स जो हमने अभी बनाए थे। और हम उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ब्रेड क्रम्स इसमें मिक्स होंगे, 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएं और दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए कंसिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी पे आने के बाद अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप चीनी ली है। पूरी चीनी पैन में डालने के बाद हम आंच को कम कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए हमारे मिक्सचर में। और अच्छे से मिलने के बाद हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद मैंने यहाँ पर 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर डाला है, या फिर आप फ्रेश इलायची को भी क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश इलायची यूज़ की है। अब हम इस मिक्सचर को अपने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें भी हमें कुल्फ़ी को जमाना है।
आप चाहें तो कुल्फी के मोल्ड्स में इसे डाल सकते हैं या फिर किसी स्टील की थाली में भी इसे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बेकिंग डिश में डाला है इसे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है, इतनी ही थिक होनी चाहिए। और अब हम इसकी साइड्स को इवन कर लेंगे, चारों तरफ इसे अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए इसमें ये जो वेसल है, ये जो बर्तन है, ये आधा ही भरा है, हमें इसे पूरा नहीं भरना है। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ पिस्ता। आप चाहें तो बादाम या काजू भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। चारों तरफ अच्छे से पिस्ता डालने के बाद अब हम इसको फ्रीजर में रखेंगे कम से कम 5 घंटे के लिए, या फिर आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी इसे रख सकते हैं। और 5 घंटे होने के बाद अब मैंने इसे फ्रीजर में से निकाल लिया। मैंने इसको पार्चमेंट पेपर से ढका था, आप चाहें तो किसी ढक्कन से या फिर सिल्वर फॉइल से भी ढक सकते हैं। अब हम इसको इक्वल पीसेस में कट करेंगे। कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अच्छी तरह से जम चुका है। आप चाहें तो इसे 5 मिनट साइड में रख के उसके बाद भी इसे नाइफ से कट कर सकते हैं। थोड़ी देर अगर आप साइड में रखेंगे तो ये इजीली कट हो जाएगा। अब हम बीच में से भी इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए ये कट हो चुका है। अब तो चलिए अब इसमें से एक पीस निकालते हैं हमारी कुल्फी का। ये देखिए आसानी से निकल गया पीस। और ये देखिए ये कुल्फी कितनी स्मूथ, कितनी सॉफ्ट दिखाई दे रही है और कितनी इजी है बनाने में। तो चलिए इसे सर्विंग डिश में रखते हैं और हमारी कुल्फी बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है कुल्फी। ये देखने में जितनी अच्छी दिख रही है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। ये देखिए ये एकदम सॉफ्ट बनी है।